नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के पौत्र व 25,000 के इनामी अपराधी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र मृगांक को वाराणसी एसटीएफ और फूलपुर कोतवाली पुलिस ने बिलार में कटरा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चार पहिया वाहन, 53,000 नकदी, फोन, एटीएम आदि सामान बरामद किया। पूर्व सांसद व बाहुबली विधायक रमाकांत यादव वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं अब उनके पौत्र मृगांक यादव को भी पुलिस ने दबोच लिया। मुखबिर से सूचना मिली कि 25,000 का इनामी मृगांक और टाइगर बिलार मऊ कटरा मार्ग पर मौजूद है। सूचना के बाद वाराणसी एसटीएफ व फूलपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 25,000 के इनामी मृगांक और टाइगर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 मोबाइल, लगभग 3,000 रुपये, 1 कार व एटीएम कार्ड आदि सामान बरामद किया। मृगांक के खिलाफ जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण दीक्षित ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाराणसी एसटीएफ और फूलपुर कोतवाली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 25,000 के इनामी मृगांक उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से नकदी, मोबाइल, एटीएम कार्ड, चार पहिया वाहन आदि सामान बरामद किया गया। उन्हें बताया कि गिरफ्तार मृगांक यादव सपा विधायक का पुत्र है। एसपी आजमगढ़ द्वारा चलाए गए वांछित अभियुक्तों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत वाराणसी के एसटीएफ और आजमगढ़ की पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा आज थाना फूलपुर क्षेत्र से एक अपराधी मृगांक यादव और टाइगर की गिरफ्तारी की गई। इसके विरुद्ध थाना फूलपुर पर एक मुकदमा 70 क्राइम नंबर पर अंकित था। इसके पूर्व भी इसके विरुद्ध कई मुकदमे हैं। ये गुरदान टाइप का अपराधी है और इसके ऊपर 25,000 रुपये के नाम था। वर्तमान विधायक रमाकांत यादव से भी इसका संबंध है? हाँ, ये जानकारी मिली है कि इनका पौत्र है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।